आज हम लोग वेरिएबल मास सिस्टम के एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें से एक है रॉकेट मोशन। रॉकेट मोशन इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ विच स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हॉट गैसेस आर एग्जॉस्टेड थ्रू ए नोजल ऑफ ए रॉकेट एंड प्रोड्यूस the action force. The reaction force acting in the opposite direction is called the thrust force. The thrust force just causes the rocket acceleration. Now, iska derivation, iska jo equation hoga, wo is tarah hoga. Let the initial mass of the rocket is m and its initial velocity is phi. In a certain time dt, small interval of time dt, the mass of the rocket decreases by dm as a result of fuel combustion. Jitna fuel mein combustion hoga utna mass use hoga aur rocket ka jo mass hai wo decrease hoga. So maan lete hain ye decrease mass jo hai wo hai dm. This leads the rocket velocity to be increased by dv. Ab ye जितना कम्बशन होगा उतना उसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा और ये इंक्रीज इन वेलोसिटी हम लोग यहाँ एज्यूम करते हैं कि ये है टी वी। वी अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट मीन्स आफ्टर एंड इनिशियल, इनिशियल शुरुआत में और बाद में दोनों का मोमेंटम मेरा क्या होगा, सेम होगा। सो मान लेते हैं इन ए स्मॉल टाइम डी टी द मोमेंटम ऑफ द रॉकेट बिकम्स पी वन इज इक्वल टू मास जो है वो डिक्रीज किया और वेलोसिटी है वो इंक्रीज किया। मास डिक्रीज किया, शुरू में m था, m से ये dm डिक्रीज किया, सो अभी टोटल मास हो गया उसका m माइनस dm और उसका वेलोसिटी v dv इंक्रीज करने के बाद v प्लस dv एंड द मोमेंटम ऑफ द एग्जॉस्ट गैस, जो गैस से बाहर निकल रहा है जिसके चलते वो आगे बढ़ेगा विद द अर्थ कोऑर्डिनेट सिस्टम पी टू इज इक्वल टू, तो जिस मास के चलते उसका हो रहा है तो वो हो जाएगा dm मास और v माइनस u। u हो गया कि जिस वेलोसिटी से रॉकेट आगे की ओर बढ़ रहा है, जिसको हम लोग एग्जॉस्ट गैस वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द गैस रॉकेट भी कहेंगे। सो ये हो जाएगा v माइनस u, p1 ये, p2 ये, ये एक रॉकेट है, ठीक है, v इसका रॉकेट वेलोसिटी है, ये एग्जॉस्ट वेलोसिटी जो बाहर निकल रहा है गैसेस का, ये आगे भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखे हैं v माइनस u, ये आगे बढ़ रहा है इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा इसका v माइनस u। हियर वी टुक दैट इन काउंट दैट द एग्जॉस्ट वेलोसिटी इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द रॉकेट मूवमेंट, देयरफॉर वी टेक पुट द माइनस साइन इन फ्रंट ऑफ u। Now, from the law of conservation of momentum of the system, we can write P is equal to P1 plus P2. P, initial momentum, शुरुआत में rocket का mass m और velocity v था, इसलिए m v, बाद में उसका momentum P1 ये, P2 ये जो हम लोग ऊपर calculate किए, multiply करेंगे RHS term को, तो ये आएगा, जिसमें से एम वी और एम वी दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, वी डी एम और वी डी एम का टर्म कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एक टर्म और है डी एम और डी वी, चूंकि डी एम एक स्मॉल मास है, डी वी एक स्मॉल वेलोसिटी है, ये टर्म काफी छोटा होगा, सो वी कैन नेग्लेक्ट द टर्म डी एम डी वी इन द लास्ट एक्सप्रेशन। कंसिडरिंग स्मॉल इंक्रीमेंट्स ऑफ दिस वैल्यू एज ए रिजल्ट इक्वेशन इज रिजल्ट रिटन एज, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो बच जाएगा एम डी वी का टर्म और यू डी एम का टर्म, माइनस साइन है, इसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, हो जाएगा एम डी वी इज इक्वल टू यू डी एम। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डी टी टू कन्वर्ट द इक्वेशन इनटू न्यूटन सेकंड लॉ, सो डी वी बाय डी टी, डी एम बाय डी टी, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ रॉकेट मोशन। इस ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ रॉकेट मोशन। द आरएचएस ऑफ द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द थ्रस्ट फॉर आई,
सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं थ्रस्ट के लिए यू डी एम डिवाइडेड बाई टी. एज इट कैन बी सीन फ्रॉम द लास्ट फॉर्मूला द थ्रस्ट टी फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द एग्जॉस्ट वेलोसिटी. ये जो यू है इसका एग्जॉस्ट वेलोसिटी का ये प्रोपोर्शनल होता है. अब आ जाते हैं रॉकेट इक्वेशन और टेलिस्कोपिक रॉकेट इक्वेशन. ये साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है. इफ वी इंटीग्रेट द डिफरेंशियल इक्वेशन वी कैन गेट द डिपेंडेंस ऑफ रॉकेट वेलोसिटी ऑन द बर्न फ्यूल मास. द रिजल्टेंट फॉर्मूला इज कॉल्ड आइडियल रॉकेट इक्वेशन और टेलिस्कोपिक रॉकेट इक्वेशन. टू गेट दिस इक्वेशन हम लोग जो फाइंड किए थे एम डी वी माइनस यू डी एम ऊपर में, यहाँ पे एम डी वी माइनस यू डी एम जो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे और सेपरेटिंग द वेरिएबल्स वेरिएबल सेपरेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे. सो एम के साथ डी एम का टर्म, यू के साथ डी वी का टर्म, तो डी वी को रखें यू डी एम बाई एम. अब इसको लिमिट करेंगे, v को हम लोग इनिशियल वेलोसिटी v1 से v2 के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे और इसको m0 से m1 के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे. तो टेक इनटू द अकाउंट द dm डिनोट्स मास डिक्रीज, देयरफॉर वी टेक द इंक्रीमेंट dm विद नेगेटिव साइन. एज अ रिजल्ट इक्वेशन इज रिटन एज यहां v1 की जगह पे हम लोग v0 यहां यूज कर रहे हैं और v2 के टर्म की जगह पे इसको v1 किए, इसको साइन को चेंज कर दिए हम लोग. यहाँ पे ये बाहर निकला dm by m का इंटीग्रेशन होता है log of n. सो इंटीग्रेट ये होगा लिमिट पुट करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v1 माइनस v0 u ln ln होगा ये ln m0 डिवाइड बाय m1. Where V0 and V1 are the initial and the final velocity of the rockets. M0 and M1 are the initial and the final masses of the rocket respectively. If we put V0 is equal to 0, we obtain the formula derived by Tillis-Kiwi, that is V is equal to U. V0 ka term 0 ho gaya, the equation nikla. This formula determines the rocket velocity depending on its mass change while the fuel is burning. It allows rough estimation of the fuel capacity necessary to accelerate the rocket to given velocity. So, इस तरह से ये rocket propulsion या rocket motion equation हमारा यहाँ पे complete